मतलब किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर आया नहीं और शाहरुख खान के फैंस लग गए ट्विटर के ऊपर सलमान खान और उनके फैंस की बैंड बजाने में। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो कल यानी कि सोमवार को सलमान खान की मच अवेट फिल्म किसी का भाई किसी की जान के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके ऊपर मेरे क्या थॉट्स है और क्या इसने फैन की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिलीवर किया। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को और देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करते देखो, अगर मैं आप लोगों के सामने इस ट्रेलर को सिर्फ एक लाइन में रिव्यू करूं तो मैं इतना बोलूंगा कि ये मेरे को एक सलमान खान की टिपिकल फिल्म लग रही है, क्योंकि आपको इसके अंदर रोमांस, फैमिली ड्रामा, एक्शन, सलमान खान का स्वैग, मतलब जो भी सलमान खान के फैंस को चाहिए आपको सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगर बात करें इस मूवी की मेन लीड के बारे में, देखो इसमें आपको मेन लीड में सलमान खान के पूजा हेगड़े, रघुपति वेंकटेश, रामचरण और सलमान खान की फेवरेट शहनाज कौर गिल देखने को मिलने वाली है। ओह माय गॉड, वाओ। अब बात करते हैं इस ट्रेलर के पॉजिटिव पार्ट की। तो इस ट्रेलर का जो पहला पॉजिटिव पार्ट मेरे को लगा देखो यार, वो है सलमान खान। कम ऑन मैन, सलमान खान की मूवी है, पूरे के पूरे ट्रेलर में, पूरी की पूरी मूवी में सलमान खान ही छाने वाले हैं, क्योंकि सलमान खान के फैंस के लिए उनकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस ही काफी होती है। और जिस तरीके से आपको इसके सलमान खान फुल स्वैग में दिख रहे हैं, डेफिनेटली थिएटर के अंदर सीटियां और तालियां बजने वाली हैं। इसके बाद जो मेरे को इसका अगला पॉजिटिव पार्ट लगा देखो, वो होगा जिस तरीके से आपको सलमान खान इसके अंदर एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं दो सीन्स का एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो पहला होगा वो हेडशॉट वाला सीन जिससे वो सर से मार रहे हैं, और दूसरा होगा वो ट्रेन वाला सीन। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ लॉजिक की, क्योंकि मैंने कुछ पीछे वाली बॉलीवुड मूवीज को देखा है जिसके अंदर आपको एक्शन सीन देखने को मिलते हैं पर उनका लॉजिक कुछ नहीं होता। तो मैं उस लॉजिक को साइड में रख के बता रहा हूँ कि सलमान खान के फैंस को उनके एक्शन सीन देख के मजा आने वाला है। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट मेरे को लगा देखो, वो होगा इसकी स्टोरी, क्योंकि काफी हद तक इसकी स्टोरी को देख के मुझे फीलिंग आ रही है जय हो की। मतलब उसके अंदर एक आपको फैमिली ड्रामा की स्टोरी देखने को मिली थी, मतलब यहाँ पर भी आपको कुछ वैसा देखने को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये एक फैमिली वॉच होने वाली है। और वैसे भी ईद का मौका है, सलमान खान की फिल्म है, एक फैमिली ड्रामा देखने को मिल जाए और इसकी स्टोरी लिटरली अगर डिलीवर कर जाती है तो डेफिनेटली ये एक कमाल की मूवी होने वाली है। तो अब बात करते हैं इस ट्रेलर के नेगेटिव पार्ट की। वो पार्ट है जहाँ पे बहुत सारी गालियां पड़ने वाली, बट इसका जो पहला नेगेटिव पार्ट मेरे को लगा वो होगा इसका VFX। अगर आप इसके ट्रेलर को ध्यान से देखोगे आपको बहुत जगह पे VFX लैग होता दिखेगा, और ये कोई भी एक नई बात नहीं है किसी बॉलीवुड मूवी के लिए, आपको मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवीज के अंदर आपको ऐसा ही VFX देखने को मिलता है। तो मेरी पर्सनली इसके VFX को लेके इतनी ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि वैसे भी जब सलमान खान के फैंस के सामने सलमान खान स्क्रीन के ऊपर होंगे तो उनके एक्शन सीन्स का लॉजिक या फिर उस स्क्रीन के ऊपर चल रही मूवी का VFX वैसे मैटर नहीं करने वाला। इसके बाद जो इसका अगला नेगेटिव पार्ट मेरे को लगा वो होगा इसके डायरेक्टर, क्योंकि मेरे को पर्सनली फराज सामजी से कोई उम्मीद है नहीं। इन्होंने हाउसफुल 4 खराब कर दी, इन्होंने पॉपकॉर्न खराब कर दिया, ये हेरा फेरी 3 खराब करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी पैसा नहीं कमाएगी, मूवी एकदम छप्पर फाड़ के पैसा कमाने वाली है, बट उस पैसे के पीछे ना इनका काम छुप जाएगा कि यार इन्होंने कैसा काम किया, अच्छा था बुरा था, बट और मेरी पर्सनली इस मूवी से डायरेक्शन वाइज कोई उम्मीद है नहीं। बट मुझे पता है कि किसी मूवी को उसके रिलीज से पहले जज नहीं करना चाहिए, तो हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि ये मूवी कैसा परफॉर्म करती है और इस मूवी की टेक्निकलिटीज जो है वो किस तरीके की रहती है। तो इन द एंड देखो मैं आप लोगों से इतना बोलूंगा कि मेरे को इसका ट्रेलर जो है वो डिसेंट लगा और सलमान खान के फैंस के लिए परफेक्टली एक ट्रीट निकल के आ रही है उनकी तरफ से, ईदी समझ लो एक तरीके की। और बात रही ट्रोलिंग जो शाहरुख खान के फैंस सलमान खान के फैंस या सलमान खान की कर रहे हैं, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता उसके पीछे की। फैंस जो है वो आपस में लड़ रहे हैं बट स्टार और स्टार आपस में भाईचारा बना के बैठे, तो उसका लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता और ना मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली सलमान खान के जो फैंस है वो इस ट्रेलर को देख के मूवी के लिए हाइप हो गए होंगे। बाकी वेट करते हैं 21 तारीख तक का कि ये मूवी कैसा परफॉर्म करती है। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द ट्रेलर ऑफ किसी का भाई किसी की जान। अगर आप लोगों ने इस ट्रेलर को देख लिया है आपको ये कैसा लगा और आप कितना इस मूवी के लिए वेट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।